नमस्ते नमस्ते. सो हिंदी वर्जन साल आपका स्वागत है. एंड फॉर द इंग्लिश वर्जन पीपल द टाइम स्टैम्प इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो डोंट वेस्ट टाइम एंड गो देयर एंड वॉच योर रीडिंग. ओके सो ऑन दैट नोट हिंदी वर्जन वालों नमस्ते. आपका स्वागत है हैप्पी सोल जर्नी में. और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मैं हूँ चेतना. और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं. बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स में लोग बोल रहे थे कि ये वाली रीडिंग करो रीडिंग करो. सॉन्ग मैसेज क्या है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का आपके लिए. ओके इस पे मैंने 4 सॉन्ग्स हैं और इस पे मैं एक्सप्लेन भी करूंगी उस सॉन्ग के बारे में मैं क्या फील करती हूँ, इस रिश्ते के बारे में क्या फील कर रही हूँ. बट आप कैसे पहचानोगे कि ये सॉन्ग मैसेज आपके लिए है. तो हम वो आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे जिससे मैं ये बताऊंगी कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उस इंसान की तरफ, कैसी हैं, आप क्या सोचते हो इस कनेक्शन को लेके, फ्यूचर को लेके, सब कुछ. आपकी जो करंट एनर्जी है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी अगर वो सही बैठती है. ठीक है तो आप ये सॉन्ग मैसेज और जो भी मैं एक्सप्लेनेशन है वो ले लीजिएगा. ओके सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. और अगर आपकी कोई और रीडिंग टॉपिक आप चाहते हो जिसपे मैं रीडिंग करूँ मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में. लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो. ठीक है तो मैं बता देती हूँ. सबसे पहला ये पहला ऑप्शन है जिसके ऊपर एक मैसेज का भी चार्म है. दूसरा ऑप्शन इस पे बटरफ्लाई का चार्म है. तीसरा है जिस पे हार्ट का चार्म है. चलो मैं इसको थोड़ा पास से दिखाती हूँ. पहला ये है मैसेज, दूसरा बटरफ्लाई, तीसरा हार्ट और चौथा है रोज. ओके तो आपको जो भी आपके लिए लग रहा है आप अपने आप को शांत करें और उसके बाद अपने लिए रीडिंग सेलेक्ट कर लें. आप एक से ज्यादा रीडिंग भी सुन सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है तो चलो शुरू करते हैं पहले से. जिन्होंने ये वाला सॉन्ग चुना है अभी हम सॉन्ग देखेंगे पर पहले मैं बता देती हूँ कि ये सॉन्ग आपके लिए है भी या नहीं. ठीक है तो आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं. तो व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है उनके पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ, जिन्होंने पहला पायल चुना है, जिनके लिए सॉन्ग है उनकी क्या एनर्जी है उनके पर्सनल इंटरेस्ट और कनेक्शन की तरफ. जो 3 कार्ड्स थे कार्ड डिसीट दूसरा कार्ड 6 चाक्रा तीसरा कार्ड एक्शंस. ओके तो गाइज मुझे देखो आपके लिए एक फीलिंग आ रही है. मैं बताती हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो. ब्लॉसमिंग अबेंडेंस. ओके अभी आप आएंगे. आपके मन को लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और ये आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं बट दूसरी ही तरफ आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान आपसे झूठ बोलते हैं, आपको अंधेरे में रखते हैं या फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि ये इंसान आप में एफर्ट्स डालेंगे, इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालेंगे. और आप चाहते तो हो कि बहुत कुछ यहाँ पे बढ़िया हो. ठीक है आप चाहते हो कि यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस हो, चीजें फलें फूलें. बट साथ ही साथ यहाँ डिसीट कार्ड जो है वो सबसे वरीसम है, जो ये बता रहा है कि आपको कभी कभार इस कनेक्शन पे डाउट होता है. आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि शायद आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो किसी तरीके से. तो मैसेज का चार्म भी मुझे यही बता रहा है कि आपकी तरफ जो है जो भी आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है वो चीजें आपको पता लगने वाली हैं.
और बहुत हद तक आपको चीजें पता ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये सॉन्ग है आपके लिए। सॉन्ग है, मैं गा के सुनाऊं। मेरी आंखों में है तू, मेरी आंखों में है तू, मेरी सांसों में है तू, तू ही मेरा सपना है, तेरा ही दिल है जो मेरे सीने में धड़कता है। तो ये है यकीन फिल्म का गाना जिसमें प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन रामपाल हैं, और इसमें थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो वो अर्जुन रामपाल के साथ ही प्यार में पड़ती है, पर बाद में अर्जुन रामपाल का बिहेवियर यहाँ पे अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से वो अर्जुन रामपाल का मर्डर कर देती है, और फिर पर जिसके साथ उसके बाद वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती है, उस इंसान का चेहरा जो है वो अर्जुन रामपाल के साथ चेंज कर देती है, जिसकी वजह से वो अर्जुन रामपाल के चेहरे के साथ रहती है, बट वो उस इंसान के साथ रहती है जो उसे अच्छे से ट्रीट करता था, और वो प्यार भी उसी से करती है। उनका ये सॉन्ग मैसेज आपके लिए इसलिए आया है, ये मैंने स्टोरी तो आपको सुना दी, बट मेरी क्या फीलिंग है इस चीज को लेके वो मैं आपको बताती हूँ। ये इस इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे फिजिकली आप कैसे देखने में हो, इस इंसान के लिए वो चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती। आप अंदर से कैसे हो वो मैटर करता है, वो बहुत ज़रूरी है इस इंसान के लिए, ठीक है। और वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें पता है कि आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ उन दोनों को साथ आने में प्रॉब्लम्स हुई थी, और जैसे कि यहाँ भी आप दोनों को साथ आने में मुझे लगता है प्रॉब्लम्स होंगी, बट उसमें एक चीज़ ये आ गई थी एट द एंड ऑफ द मूवी, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया, वही इंसान उससे नफरत करने लगता है क्योंकि उसने गलत कदम उठाए होते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई ना कोई गलती की है, जिस वजह से जो इंसान इनसे इतना प्यार करता था, इतनी इनकी केयर करता है, वो इंसान शायद अब इनकी इतनी केयर नहीं करेगा, या उनसे थोड़ी नफरत सी है, या फिर उतना नहीं खुल पाएंगे, उतना प्यार नहीं दे पाएंगे। इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ ज़रूर की है जिसकी वजह से आप शायद इनसे नफरत करो, या फिर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उतनी अच्छी से खुल नहीं पाओ, ये रिश्ता उतने अच्छे से आगे बढ़ नहीं पाए। ये इंसान आपसे मैसेज भी ये कहना चाहता है कि इन्हें एक तरीके से लगता है कि इन्होंने जो भी किया उसके बाद यहाँ पे चीज़ें मुश्किल हैं थोड़ी आगे बढ़ना, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आएंगे, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने एंड तक उसने यही बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, ठीक है। बाद में बहुत ज्यादा चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान गिवअप, प्रियंका चोपड़ा गिवअप करने वालों में से नहीं थी इस फिल्म में। सेम सिमिलरली ये इंसान भी गिव अप करने वालों में से नहीं है, चाहे जितनी भी इश्यूज यहाँ पे आ जाएं, ये इंसान एक्शन लेगा। तो आप अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना रहे यहाँ पे, और आपको मैसेजेस भी आएंगे, और जो चीज़ आपको जिस डायरेक्शन में लिए जाया जा रहा है, जो आपको लग रहा है कि डायरेक्शन सही है, आपकी इंट्यूशन आपको लग रही है, आप उधर जाएं और आपका सब कुछ बेटर हो जाएगा, ओके। तो यही थी रीडिंग, अगर आपको पसंद आई और आप चाहते हैं ऐसी रीडिंग में दोबारा कर तो मुझे जरूर बताएं, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे बहुत क्यूट भी लगा, ओके। तो अगर इस रीडिंग में आपकी हेल्प की तो मुझे बताएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, और बेल बटन बजाना ना भूलें अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, एक बार चेक कर लो कि आपने बेल बटन बजाया है कि नहीं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी रीडिंग की, ओके। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और मेरा जीमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। सो बाय गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट। हाय पाल नंबर टू, सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी है, ये आपकी क्या एनर्जी है, अगर वो आपकी एनर्जी है इस कनेक्शन की तरफ अभी, तो ये सॉन्ग आपके लिए, या फिर मैं सॉन्ग को भी, इस मूवी को, जो भी इसका वीडियो, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी, और मेरी क्या सोच है इस चीज को लेके, ठीक है। सो लेट्स सी, आप व्यूवर्स की जिनके लिए सॉन्ग है दूसरा नंबर का, उनकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन की तरफ। थिंकिंग मैन,
दो और काटते हैं। मुझे फीलिंग नहीं आ रही, मैं ना एक और कार्ड निकाल रही हूँ, बहुत सारे आ गए। मुझे पता नहीं उस वक्त ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरा दिमाग बहुत ब्लैंक था जब मैं वो वाला कार्ड निकाली, तो इसलिए मैंने वो कार्ड दोबारा निकाला। ओके, तो चलो आपकी क्या एनर्जी हम बताते हैं, अगर वो एनर्जी आपकी हुई तो वो सॉन्ग आपका है। ठीक है, तो चलो आप इस इंसान के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हो और इस इंसान से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। यहाँ प्यार और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 सोचते हो आप इनके बारे में। ठीक है, यू नो ख्याल आपके बंद ही नहीं होते। मुझे कोई भी नेगेटिविटी यहाँ नहीं दिख रही है और आपको भी ऐसा लगता है कि इंसान आपसे उतना ही प्यार करते हैं, आपके बारे में उतना ही सोचते हैं और आपके साथ बहुत स्टेबल फील करते हैं, होम कोजी फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके साथ कंफर्टेबल है, एक स्टेबल होम आप चाहते हो इनके साथ, और आपको भी ऐसा लगता है कि इंसान भी आपके साथ एक स्टेबल होम चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं एक तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप भी इनके साथ घर बसाना चाहते हो और आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान यू नो एग्जिस्ट कैसे ये इंसान एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, ये इंसान जो है डायमंड टाइप है, यू नो बहुत रेयर। अब बहुत ज़्यादा खुश हो इस इंसान की, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस वक्त। ठीक है, बटरफ्लाई जो है एक तो स्प्रिंग की निशानी है, साथ ही साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी है। तो लेट्स सी आपका सॉन्ग क्या है। बहुत आई, मैं गाना गाऊं या पढ़ लूं? चलो मैं गाना ही गाती हूँ। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। तो ये तो बहुत फेमस और रीसेंट सॉन्ग है, सारे सॉन्ग जो है रीसेंट नहीं है पर ये वाला रीसेंट सॉन्ग है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है इनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये शायद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आने की बात हो रही है। या फिर आप दोनों के बीच में शायद झगड़े भी चल रहे हों जिसकी वजह से यहाँ रिकंसिलिएशन की बात आ रही है। इस फिल्म में बेसिकली क्या होता है, इस फिल्म में ब्रोकन हार्ट है, जो बंदा है उसका दिल टूट गया होता है, और लड़की जो है वो शायद इसमें बोल नहीं सकती है। तो यहाँ पे कोई ना कोई है जिसने कन्फेशन नहीं किया है शायद से, या फिर वो अपने दिल की हर एक बात नहीं बताता है। ठीक है, और सामने वाला जो इंसान है वो थोड़ा सा गुस्सैर है, थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल है उसका प्यार, और फिर भी इन सब के बावजूद यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के बीच। ठीक है, और यहाँ मिलने की बातें हैं, पास आने की बातें हैं, साथ आने की बातें हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, जो भी बेसिकली जो भी प्रॉब्लम है उसके बाद वो आपके साथ ही आना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई इश्यूज चल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकंसिलिएशन है यहाँ पे, और
ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि बटरफ्लाई है, बट साथ ही साथ यहाँ पे मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है क्योंकि बटरफ्लाई जो स्प्रिंग का भी निशानी होती है, स्प्रिंग जो होता है वो बिगिनिंग होता है बसंत ऋतु, जहाँ पे फूल खिलते हैं, सब कुछ सुंदर हो जाता है, ठीक है। तो जब आप आओगे या फिर आप दोनों साथ आओगे तो यहाँ पे फूल खिलेंगे, सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा। जब आपके साथ ही रहेंगे इंसान एक साथ तो इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा, सब कुछ, जैसे मैं कह रही थी कि स्टेबल होम चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, यू नो, फर्स्ट चाक्रा, फोर्थ चाक्रा, यहाँ प्यार है और स्टेबिलिटी है। साथ ही साथ फर्स्ट चाक्रा जो है यहाँ पे, यू नो, एक अगर अनस्टेबल फर्स्ट चाक्रा हो, पहला चाक्रा, रूट चाक्रा, मूलधार अगर अनस्टेबल हो तो उसकी वजह से गुस्सा भी आता है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे एक इंसान थोड़ा गुस्सैल है और दूसरा जो है वो थोड़ा नरम प्यारा सा, यू नो, बट दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं यहाँ पे। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो और इसने आपकी हेल्प की आपकी सिचुएशन को समझने में। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आप चाहते हैं मैं फ्यूचर में ये रीडिंग दोबारा करूँ, या फिर आपके पास कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग करूँ, तो मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट में, लाइक करें इस रीडिंग को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो बेल बटन पर जाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे जीमेल आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी मैं दोबारा से सब कुछ शुरू करने वाली हूँ, डेली वाइब्स एंड ऑल। तो ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो पायल नंबर थ्री, तो जिन्होंने पायल ये तीसरा सॉन्ग चुना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की तरफ इस वक्त, और जो भी एनर्जी होगी आपकी, अगर एनर्जी मैच करती है तो ये सॉन्ग आपके लिए, ठीक है। तो ये सॉन्ग जिनके लिए भी है उनकी क्या एनर्जी है इस वक्त, उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जिसकी तरफ से ये सॉन्ग आया है और इस कनेक्शन की तरफ उनकी क्या एनर्जी, उनकी क्या सोच है। पाइल नंबर थ्री जिन्होंने तीसरा सॉन्ग चुना है उनकी क्या एनर्जी, एप्रिसिएशन, ओके, दो और कहते हैं कम्युनिटी, टेंपल पाथ, एंजल ऑफ लव, ओके। फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ये पर्सन है, जो भी जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं या फिर करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी फीलिंग आती है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो रास्ता है, ये बिल्कुल सही है, किस्मत का बनाया हुआ है और आप दोनों साथ आने के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, ओके। और आप बहुत अप्रिशिएटेड भी फील करते हो, साथ ही साथ आप बहुत प्राउड भी फील करते हो, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे रुको, एक और चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद फाइनेंशियल कोई इश्यू है इस वक्त, और कभी कभी आपको थोड़ा सा डाउट भी हो जाता है इस कनेक्शन पे, बट फिर वो चीज जल्दी से ठीक हो जाती है। साथ ही साथ आप बहुत सपोर्टेड फील करते हो अपने, यू नो, क्लोज लोगों से इस रिश्ते को लेके, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं जिससे आप बहुत सपोर्टेड फील करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से, बहुत ज़्यादा, एंजल ऑफ लव ऑफ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, इतना प्यार करते हो कि कभी कभी आपको लगता है कि यू नो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा,
मुझे ऐसा लगता है कि शाहजी यादव इस इंसान को फिजिकली बहुत अप्रिशिएट करते हो, ब्यूटीफुल है ये आपके अनुसार, चाहे ये मेल भी हो फिर भी आपको ये सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। और आपको ये भी लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके यू नो जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो या मुझे कोई भी नेगेटिविटी, बस एक छोटा सा डर है जो कभी कभार आ जाता है, वैसे कोई इशू नहीं है। ओके, एक और चीज़, आपको कभी कभार ऐसे भी लगता है कि इंसान आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये इतने यू नो इनमें कोई ना कोई गड़बड़ होनी चाहिए, या फिर कभी कभार आपको लगता है कि सब कुछ इतना ठीक कैसे है, कोई ना कोई गड़बड़ है, और कभी कभार आपको लगता है कि इंसान आपसे झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जो रीडिंग सुन रहे हैं वो आप शादीशुदा भी हो सकते हो, कम्युनिटी और टेंपल बात मुझे बता रहे हैं कि यहाँ शादी और कम्युनिटी यू नो टेंपल कम्युनिटी इन्वॉल्व है, और आपको ऐसा लगता है कि इंसान यू नो आपके हर रिश्ते में है बट आपसे यू नो हर एक बात शेयर नहीं करते। हालांकि आप इनसे प्यार बहुत करते हो और आपको भी ऐसा लगता है कि ये भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, बट आप पूरा श्योर नहीं हो कि इंसान एक्चुअली आपके बारे में फील क्या करते हैं। यू नो अभी कभी आपको लगता है ऐसा, कभी लगता है वैसा, बट आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग है, ठीक है। और आप अगर शादी नहीं हुई है तो आप शादी करना चाहते हो इस इंसान से, आप बहुत श्योर हो कि आप इसके साथ ही जिंदगी जीना चाहते हो, ठीक है। चलो थर्ड नंबर पे एक तो हार्ट आया है जो मुझे, ये तो पहले ही प्यार की निशानी होती है। तीसरे नंबर का सॉन्ग, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। तो ये मैंने गा के सुनाया, आई होप इतना बुरा नहीं गाया होगा मैंने, मुझे अच्छा लगा गा के। चलो अब मैं बताती हूँ कि मैं इस सॉन्ग के बारे में क्या सोचती हूँ और इस इंसान की फीलिंग्स के बारे में क्या सोचती हूँ आपको लेके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं अपनी दुनिया में, और इट्स लाइक आपके बिना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड सेंटर ऑफ अटेंशन। कई बार शायद आपको ऐसा नहीं फील होता होगा, पर ये इंसान आपको यू नो वो क्या कहते हैं, वो लाइन होती है ना, दो जिस्म एक जान एक ही है ऐसे करके, वो वाली लाइन मुझे फील हो रही है आपके लिए, इस इंसान के लिए। आप यू नो एक ही हो और ये आपको एक ही मानते हैं, कि मुझे ऐसी कोई नेगेटिव चीज इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। जैसा आपको लग रहा है कि शायद ये आपसे झूठ बोलते हो या ये वो, बट मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये आपसे झूठ बोलने की इनको कोई जरूरत है, क्योंकि आपको यू नो पार्ट ऑफ देमसेल्व्स ही मानते हैं, अपने आप का पार्ट ही मानते हैं, तो झूठ बोलने की यहाँ पे कोई जरूरत आती नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से क्या ही छुपा सकते हैं, है ना। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, तुझ में कहीं। और दूसरी बात, तुझ में कहीं से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो आपके वर्ल्ड का पार्ट है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड नहीं है, पूरी दुनिया नहीं है आपके, बट आपके वर्ल्ड के पार्ट है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं, आपके यू नो घर वाले हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो जहाँ से आपको बहुत इम्पोर्टेंस मिलती हो और जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो, बट आप इनके दुनिया हो, समझ रहे हो, यहाँ आप ये पार्ट हैं आपकी दुनिया के और आप इनकी दुनिया हो, इतने इम्पोर्टेंट हो आप इनके लिए, तो यहाँ पे फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात नहीं आती। बट हाँ, जब हम एक दूसरे को पार्ट मानते हैं तब हम कई चीजें ऐसे करते हैं जिस तरीके से हम अपने आप से बिहेव करते हैं, कभी कभी कभार हम अपने आप पे तो ध्यान नहीं दे पाते, हमारी प्रायोरिटीज कभी कभार यू नो हम बदल देते हैं, बट ये
एक तरीके से पता नहीं आपको वो ठीक लग रहा है कि नहीं, पर ये इंसान हर एक डिसीजन ये सोच के नहीं लग रहे कि आपको क्या ठीक लगेगा। ये हर एक डिसीजन इस चीज में इस हिसाब से लेते हैं कि वो आपकी जगह पे होते और आप ऐसे करते तो कैसा रहता, समझ रहे हो? तो जैसे वो आपसे जो भी आपको गड़बड़ लग रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन की जरूरत है, आप उन्हें बता दीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अगर फिर भी ठीक ना हो और ये इंसान अगर ऐसे ले रहे हैं कि यू नो कोई चीज आपको बुरी लगती है, तो ये इस तरीके से लेते हैं कि अगर आपने वो चीज इनके साथ की होती तो इनको बुरा नहीं लगता, तो ये इस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है, बट हाँ अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप बस शेयर कर दीजिए। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि इंसान बदलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि फिर भी, क्योंकि हम अपनी सोच से डिसीजन ले सकते हैं ना, उनकी सोच यही है कि इस चीज से मुझे बुरा नहीं लगता तो इस इंसान को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं ये मेरे लिए ये खुशी का कारण है तो इसके लिए भी यही शायद होगा, क्योंकि ये अपनी यू नो जिस तरीके से अपने से ट्रीट करते हैं वैसे ही आपके साथ ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक ही चीज है। मुझे नहीं पता आपको समझ आया मैंने क्या कहा, ठीक है चलो इसी बात पे रैप अप करते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं रीडिंग में दोबारा करूं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जिसमें रीडिंग करूं तो मुझे वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और गाइज अगर आप ने शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन बजाना भूलें। अगर आपने पहले भी सब्सक्राइब कर रखा है और बेल बटन नहीं बजाया है तो एक बार ही चेक कर ली ताकि आपको पता चल जाए कि आपने बेल बटन बजाया है या नहीं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा जीमेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके सो बाय। हेलो पायल नंबर 4, अगर आपने रोज चार्म चुना और चौथा सॉन्ग, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है इस इंसान की तरफ जिसकी तरफ से ये मैसेज आया है, और आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की तरफ जो आप इसके साथ इनके साथ शेयर करते हैं। तो नंबर 4 मैसेज जो जिनकी तरफ से भी आया है उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ, नंबर 4 की एनर्जी कैसी है, जिनके लिए भी सॉन्ग है उनकी एनर्जी, जिनके लिए भी सॉन्ग है उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त इस कनेक्शन की तरफ जिसकी तरफ से ये मैसेज आया है। जो तीन कार्ड्स दें। वो ज्यादा इस ओके मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए। ओके इनडिसीजन वर्ल्ड Temple path, okay. तो guys आप थोड़े confused हो इनको लेके, साथ ही साथ आप अपनी personal healing कर रहे हो, अपनी खुशियों का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान को शायद दूर से देख रहे हो, ये no communication का रिश्ता मुझे लग रहा है इस वक्त, आप बातचीत में नहीं हो और दूर से देख रहे हो और आपको नहीं पता इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। आप अपनी personal healing और अपनी पर्सनल हैप्पीनेस, अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो और अपनी लाइफ में यू नो एक शांति लाने की कोशिश कर रहे हो, इस रिश्ते को दूर से ही निहार रहे हो। अभी आपको नहीं पता आपको इस रिश्ते का क्या करना है, इस इंसान का क्या करना है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो एंजल्स या भगवान आपको गाइड करेंगे सही डायरेक्शन में और सही चीज आपको यू नो सही जगह जरूर पहुंचा देंगे, आपको एक ऐसा फेथ लग रहा है इस चीज को लेके। साथ ही साथ आप इनको दूर से शायद सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी, शायद ऑफिस में, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आप इन्हें देख रहे हो मुझे दूर से यू नो, और आपको नहीं पता कि इनके दिमाग में भी एक्चुअली क्या चल रहा है।
ये किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कभी वापस आएंगे नहीं आएंगे, आपसे बात करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता। बस आप एक फेथ के एक डोरी पे आप जा रहे हो आगे कि लेट्स सी भगवान ने क्या सोचा है इस चीज को लेके। ओके सो लेट्स सी। तो रोज जो है, सबसे पहला तो रोज जो है मेरे लिए प्योरिटी की निशानी है, साथ ही साथ प्यार की निशानी। तो लेट्स सी आपका सॉन्ग क्या है। सॉन्ग है, मैं गा के सुनाती हूँ। दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दे चुके दे चुके तुझे दिल ये दिल दे चुके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हर्ट हुए हैं प्यार में, ठीक है। इस इंसान की इंटेंशंस बहुत प्योर हैं आपकी तरफ, बट ये हर्ट हो चुके हैं, ठीक है। दिल के बदले इन्हें दर्द दिल मिला, इन्होंने दिल दिया बट चीज ठीक से बैठी नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये पास्ट का हर्ट हो जिसकी वजह से इस कनेक्शन को ये नहीं चाहते कि ये चीज हो, या फिर आपने इनको हर्ट किया है किसी ना किसी तरीके से जिससे ये उभर नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की इंटेंशंस बहुत प्योर हैं बट ये नहीं समझ पा रहे कि ये क्या करें, और एक तरीके से ये इस चीज़ के बारे में सोचने की भी नहीं, ऐसा होता है ना कि मुझे सोचना ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो वैसी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं आपके लिए बट हर्ट इतना ज़्यादा है इनके अंदर चीज़ों को लेके, अपने पास को लेके, या फिर आपके साथ जो भी सिचुएशन रही उसको लेके, कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके पास दिल है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दिल दे चुके या तो आपको या किसी को, जिसको भी हो, ये दिल दे चुके दिल दे चुके। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये ऑलरेडी दिल दे चुके, इनके पास दिल है ही नहीं अब इस वक्त कि ये किसी और को दिल दे सके, उतने गट्स नहीं है। तो समझ रहे हो, तो मैंने ये दो लाइन सुने। अगर मैंने और सुना होता ये गाना, मतलब जब मैंने मैसेज चैनल किया तो मैं वो जरूर लिखती, क्योंकि मैंने बाकियों में चार चार लाइन भी लिखी है किसी किसी में। तो यही है मैसेज आपके लिए गाइस। अभी ये इस वक्त इस सिचुएशन में ही नहीं है कि ये कुछ कह पाए या कुछ डिसाइड कर पाए, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो और आप बिल्कुल सही जा भी रहे हो। आपको इस वक्त अपने पे ध्यान देना चाहिए और सही रास्ते पे आप जा रहे हो, टेंपल पाथ, ठीक है। फीलिंग्स हैं तो बाहर आ ही जाएंगी, ठीक है। तो यही मैसेज है गाइस, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही आपके लिए। चलो मैं एक आपके लिए एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। उनकी क्या एनर्जी है इस वक्त आपकी तरफ, मैं आपको थोड़ा और मैसेजेस देना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, कॉमेडी, थर्ड चक्रा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त या तो आपको सिर्फ फ्रेंड्स रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने आसपास रखना चाहते हैं, आपसे एकदम दूर नहीं हट जाना चाहते, बट उनको मोटिवेशन, थर्ड चक्रा जो होता है वो मोटिवेशन का चक्रा होता है, ठीक है, डायरेक्शन का चक्रा होता है। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेशन की जरूरत है, सेकेंड चक्रा,
और अपने पे कॉन्फिडेंस और यू नो एक अपने अंदर एक हीलिंग होती है, एक एक वर्नेबल होने के लिए किसी के साथ सेकंड चाक्रा वो भी चाहिए इन्हें, कि इमोशनली किसी के साथ इंटीमेट कैसे हो सके, वो चीज़ इन्हें बेटर करनी है और अपने अंदर मोटिवेशन लाना है। तब तक ये आपको आसपास रखना चाहते हैं, फ्रेंड्स के तौर पे रखना चाहते हैं, इस तरीके से रखना करके आपसे बिल्कुल बातचीत ही बंद कर दें या फिर आपसे बिल्कुल अलग हट जाएं, जगह बदल लें, तो एक नॉर्मल रखना चाहते हैं जब तक ये कोई पक्का पक्का डिसीजन नहीं ले लेते। ठीक है, तो ये जो आप दूर से इन्हें देख रहे हो, आप देख सकते हो और ये चाहते भी हैं कि आप इनको दूर से देखो, ठीक है, और इनके आसपास रहो। मे बी इनको कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, पर साथ ही साथ इनको एक स्टेबिलिटी इशू भी हो सकता है, कमिटमेंट इशू भी हो सकता है। इस इंसान को कमिट करना में प्रॉब्लम आए तो उसके बहुत सारे वजह होती हैं, पास्ट की कोई इशू हो, तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं खुश देखा हो, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो, या फिर आपको कभी बचपन से प्यार नहीं मिला हो जिसकी वजह से आपके पास प्यार है ही नहीं किसी को देने के लिए, आपको पता ही नहीं है प्यार कैसे करना है, आपको किसी से कैसे इमोशनली इंटीमेट होना है, ये चीज़ आपको समझ में ही नहीं आती, तो उस चीज़ों में क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम आती है किसी के साथ जुड़ने में, किसी के साथ यू नो रहने में, एक एक जेन्युइन कनेक्शन में आने में, तो वो सारी इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, पर इंटेंशंस प्योर हैं, क्योंकि रोज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत प्योर इंटेंशंस हैं। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अपने पे ध्यान दो, ये भी अपने पे ध्यान दे रहे हैं, पर इनके आसपास ये चाहते भी आप इनके आसपास रहो और आप रह भी रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यही है आपके लिए मैसेज गाइज, अगर ये आपकी हेल्प करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करें। अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जिसमें वीडियो बनाऊं तो मुझे वो भी बताएं, अगर आप यही टॉपिक चाहते हो कुछ दिनों में मैं दोबारा बनाऊं तो मुझे वो भी बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मेरी जीमेल आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वो सारे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, सो इसी बात पे खत्म करते हैं, अलविदा लेते हैं और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, इसे नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय। हेलो गाइस, welcome to Happy Soul Journey, and today's question is really interesting. So what's their song message for you? So it will not just be song, I'll explain through the song that how they exactly feeling towards you, okay, what their thoughts, everything, whatever I get from the song. And so we'll do this reading in a format that I will pull your energy, what's your energy towards this person from whom you are getting this song message, so that's how you know that this song message is for you or not. Okay, in my almost all the reading I do these kinds of confirmation that, you know, at least you know your energy, so you can get to know that what the other person is feeling and what the other person is, you know, thinking and what the intentions are, everything, all those things. So we have four options today and we have some charms also, so let me make it a little bit closer. So you are having the first option is this cat charm, second option is this bicycle charm, third option is this girl, dancing girl, and the fourth option is these two bells. Okay, so we have back to the normal size of the screen. So let's start with the first, and don't forget to like, share, subscribe to my channel if you like this video, okay, and please comment that, you know, how you feel about it and all the other things, whatever you want to say. So let's start. Hello file number one. So people who have chosen this song and this charm, this cat charm. So let's see what's your current energy towards your person from whom you are getting this message. So for whom this message is, what's their energy towards the person from whom they are getting this message?
So let's have three cards. If you don't like shuffling, you can skip the shuffling part and just go to the reading part. But I like shuffling on screen. So man holding a coin, yin yang, and one more. Contract and woman holding a coin. So there's a couple. Okay, so one thing is that you could already be in relationship with this person, or your feeling is that you want to be in the committed relationship. You feel the equality here, and contract is also telling me the equality part. So let me make some space for the queen. Yeah, so you also feel that this person see you as their counterpart, or someone who has potential to be with them, someone equal. You feel equality here. Secondly, you also see this person as some kind of lucky charm. Everything is all right here, okay? I feel you want to get married with them, you want to grow legacy with them, you feel the equality here, feminine masculine equality. You see the growth here, balanced progress here, and a wifey and hubby kind of energy is here. What else? I'm getting a lot of fours here, four, and this is also 2 plus 2 is 4. So this, there is stability. You see a long term here. You are seeing that. Okay, there's nothing, you know, it's like you are so sure about the stability and the long term. And you could be already in the committed relationship with this person also. So let's see what's the song message. Cat is all about intuition and feminine energy. Closer. Chain smoker. So if you have heard this song, then this could be a long distance relationship, or you both went through an argument in recent days, and this is about this just patching up. And secondly, there's a lot of attraction in this connection from this person's side, and they just want to be with you all the time. Yeah. You both are intuitively connected also. Many times you read each other without even, you know, you don't have to communicate, and just other person just understand without even speaking up it, you know, about anything. They just get it out of nowhere. You know, sometimes what happens to lovers is like, if one is feeling ill or some sickness, other person also feels some heaviness. So that is connection. So that's how I am seeing this connection as. Okay, so if you listen to this song is very, I would say, romantic and flirty. So listen to this song. I find this song very beautiful and very tingling. So listen to me, okay? Baby, pull me closer in the backseat of your Rover. I'll just sing that much. So let's wrap it up on that note, and let me know that how it resonated with you guys. And if you want me to do this reading again, then tell me in the comment section. If you want any other topic on which you want me to read, then let me know. If you want a personal reading, then you communicate with me
over the WhatsApp number or Gmail ID and the Instagram DM. So all the information is in the description box below. You can go and check out there. Okay, you can hear more than one song here. So if you have chosen another song also, then keep watching. And if you're going, then see you later. Don't forget to like, share and subscribe to my channel if you're new to my channel. And don't forget to press the bell button. Check the bell button once more if you're not getting notification and you're already subscribed from my channel. Okay, so on that note, bye. Hello, pile number two. So people who have chosen the bicycle charm and the pile number two, the song number two. So let me see what's your energy so you can know that this is your song message or not. This is song message for you or not. Okay, so let's see what's the energy of the viewer for whom this song is for. All tied up, the energy towards you, the person of interest. Strong warning. Oops. One more card. Okay. Thinking man. Undeck a door to spirit. Okay. Let me set them. So your energy is everything is not all right now, okay? Or you are just thinking about something which is going to go wrong in this situation or in this connection. Just a second. I want to clarify the thinking man here. Rest and rejuvenation. See guys, I think what you are feeling is like you are forecasting something which haven't happened yet. And you are thinking about it again and again, again and again, again and again, with the thought that you will not be able to do anything about it. Whatever will go wrong and whatever will happen in the future, you cannot do anything about it. You are feeling so tied up, okay? On the other part, you think that this person thinks a lot about you whenever they sleep or they go to sleep. And this connection is like spiritual connection. You are on the spiritual journey with this person, and this person, you know, is thinking about a solution about all the problems between both of you. But you are unable to do anything. But you feel that this person will do even your part of job, because this is 23 and this is 46, which is telling me that, you know, what you are unable to do, this person will do that also. That's how you feel. This person right now is not sharing a lot with you, not telling you enough things. But you feel like this person will, you know, do something about the problems between both of you. And whatever will happen, he or she can curb that thing. Okay. So let's see. Bicycle is the slow movement. Okay. Let's see what the song is. Song is Miss Independent. So they see you as a Miss Independent who don't need anyone, who don't, don't want anyone. It's like if Miss Independent will be with someone, then she will be with that person or he will be with that person
ओनली वेन दे डिजायर टू बी विद दैट पर्सन, दे डोंट नीड एनीथिंग आउट ऑफ द अदर पर्सन. ओके, देयर इज नो डिजायर लाइक दैट. ओके, सो व्हाट एल्स वी आर सीइंग हियर. Listen to this song, okay? But this overall, this song just talks about us, a lady, okay, who don't need anyone, okay? She is just good enough in her own self, yeah. And that's how this person sees you. But you feel like you can't do anything. But I think they think that you feel like you don't have to do anything in this situation. All the work is, you know, if they want it, they'll get it, they will have it, they come for it. So that's how they feel, and this is good. If they see you as someone who is independent person and they can take care of themselves, then all right. If you want this person, then make an effort. And I think this person wants to make an effort, because in this song Neo has sung it, and in this song the guy is like behind her and he just adore her a lot. Yeah, okay, so let's wrap it up, guys. And but if they will make a move, I think that that will be slow move, because Bicycle is telling me that this will be slow movement. But you can see the heart in the, you know, there's a heart in the Bicycle. So this will be a motion of or movement of love and nothing else. So that's that. Let's wrap it up, guys, on that note. Let me know that how it resonated with you. Like, share and subscribe. If you want me to do this reading again, many people were requesting this reading, so I am doing it. If you want me to do this again, let me know in the comment section below. If you have any other topic on which you want me to do the reading, let me know that too. And if you want a personal reading, then you can communicate with me over the WhatsApp number or the Gmail ID or the Instagram ID. All the information are in description box below. You can join me on Instagram also. I'm updating some quotes and some daily vibes or pick a cards there. So join me there. I love, you know, if you join me there. Okay, so bye. Hello, guys. So if you have chosen the Dancing Girl and number 3 song, so let's see what's your energy towards this person from whom you are getting this song, from whom this song message is coming. If you, your energy and this energy will match, then you can move forward and look towards that, you know, what the song is and what I feel about the song. Let's see what's the energy of the viewer for whom this message is, the song message is. Give me 3 cards. Okay. Do to spirit. Okay. So your energy is not so good. I'm not seeing your energy to be very good. I feel that you are in very, very, very negative energy right now. It's like you are not following your intuition. You are like there's no future between both of you, and you are not waiting for anyone. The guard in the gate is telling me you're not waiting for anyone. You feel this person as a liar, deceitful. You think that you are deceiving yourself. With all those feelings, you also feel that, you know, spirit and angels and God has brought you in this situation. They planned this for you, and everything is blocked. Everything is like, you don't want to hear to your intuition. You don't want to wait for anyone. You don't want to do anything. You don't want any
commitment with this person any long term, you're not thinking about all those things, like you are blocking all those thoughts, all those dreams, all those, you know, you're trying to block all those things. You are trying that, you know, just I just want to let it go. Okay, so let's see if this is your energy. Let's see, you want to dance like this with freedom. Let's see what the song is. Song is Sorry by Justin Bieber. So listen to this song. In this, Justin Bieber is like telling the girl that how sorry he is, and he is explaining it. He's all over there to take the blame and the shame and all those, you know, that he's too vigorously there, wants to make and amend everything. So I think this person wants to amend everything with you, and they wants to make everything all right, and they want your forgiveness, and whatever went wrong between both of you, they want to make it right. Okay, so they are telling you sorry here. Okay, so listen to this song more and you will get to know, get more messages for you. But this person is really, really sorry for whatever happened. And one more thing I'm feeling here, if you are blocking this, if this is someone new in your life and you are blocking this person just because what you felt in the past about the relationship and the connection, then this person is feeling sorry for you, whatever happened with you, but this person is trying to make everything all right, and this person wants to, you know, if you want to say that, you know, if you want to put fingers on them, you know, that you can also betray, you can also lie, you can be liar, all men are same, all women are same, all these kind of things, then they're all, you know, all in for that, to hear that thing, to stand there and prove you wrong. Okay, this person is too much into you. This person wants to make everything all right. Okay, and they wants to make you happy and see you happy, like this dancing girl. Okay, even if you are a guy, then that doesn't matter, it's like happiness. They want happiness for you and they wants to make everything all right here. Okay, so if that message resonated with you, let me know in the comment section below. Like this video, share this video so that it can reach to the people who, you know, need this message. Or subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And don't forget to press the bell button, notification bell button, so that you get the notification whenever I put video again. If you want a personal reading, my WhatsApp number, my Gmail ID and my Instagram ID, every information is in description box below. Plus, if you want me to do this reading again, let me know. And if you have any other topic on which you want me to read, then let me know that also in the comment section below. Okay, guys, so on that note, let's wrap it up. Bye, see you again. Hello, pile number 4. So if you have chosen the bell charm and song number 4, so let's see. First of all, we'll pull your energy, that what's your energy towards this person from whom you're getting this song message, or the connection that you share with this person, so that you know the song message is for you or not. Okay, so let's have 3 cards for you. What's the energy of the viewer for whom this song message is? Give me 3 cards for the energy of the viewer for whom this room is. 7 chakra. Happy home, happy family. Cornucopia. Dodo spirit. Okay, so you are feeling that this is a soulmate connection. Okay, and you are one, you are connected from your 7th chakra. It's like
यू कैन गो इन ईच अदर्स ड्रीम्स एंड इन ईच अदर थॉट्स, यू कैन टेलीपैथिकली नो दैट व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग एंड यू फील व्हाट अदर पर्सन इज फीलिंग. इफ देयर यू नो देयर एनर्जी इज अ लिटिल बिट लो, यू कैन फील इट, ओके, इवन फ्रॉम द डिस्टेंस. And you want to have a family with this person and in a committed relationship, or you're already in the committed relationship, because we are getting the cornucopia and happy family. Both are like committed thing, abundant, total abundance, total happiness. You cannot ask for more. It's like happy home, having all the things that you can want or you can desire. And you think that this person is just God-given, this connection is God-given. And you feel a very, very strong pull toward this person. You want to have a long term with this person. You can also think that this person is your twin flame. I feel that you feel like that. For few people, you can have kids, and you want to share your kids or their kids with them. Okay. And yeah, you want all the happiness, and what's your current energy is you are happy. Okay, so on that note, let's see the bell. This is twin bell, so this was already a twin flame connection, and this 11 and 4 is telling me this is a twin flame. 5-5, so there must be a change which is coming in this connection, which is like destiny planned, a fated situation. So let's see what this song message is. Your Song by Rita Ora. This is just, I just love this song. This is a song about someone who used to listen some negative song or some bad song or some sad song. But now she wants to just hear good song, your song, only, you know, love song. And it's like, she just wants to hear the other person. So their message is that they don't want to hear anyone. They just want to hear you. They just want to listen to you. They love your voice, first of all. It's like your voice makes them laugh. Your voice makes them smile. Your voice makes them, you know, happy and energetic and full of life. It's like when they look at you and they see you smiling, it's like they get filled with a lot of joy and happiness and so much energy. So they don't want to hear about, and they don't want to go into any sad and melancholy state when they are with you. They just want to be happy with you, and they feel that happiness with you. It's like so much positivity is there in their life now that they cannot even think about any negative stuff. Okay, everything is good when you are there. Okay, and bell is also a Christmas bell, which is again a happiness time when you get a lot of presents. So you are like a present to them, and they always smile whenever they come close to you. Okay, I got some other line. Okay, so if you can get offended by any physical stuff, then don't listen to the next line that I'm going to say, which is like they feel very happy whenever they go to open up and unwrap this present, and they think about it also a lot to unwrap you. You're like a present, Christmas present, and they want to unwrap you. They think about it a lot, and they love it if they can do right now. So they love it. That's how what I'm getting from here. If it resonated with you, let me know in the comment section below. And if you want me to do this kind of reading again, let me know that also. If you have any other topic on which you want me to do the reading, let me know that too. Like this video if you like it, share it with your friends or any group that you want to share it on. And don't forget to subscribe if you're new to my channel. It helps my channel to grow, and let me know that, you know, people are liking it, whatever I'm doing.
एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल. ओके, आई हैव मेनी अदर आइडियाज कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज, सो कीप योर आईज ओपन फॉर दैट. ओके, सो एनीथिंग एल्स? ओह, इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, माय ईमेल आईडी, माय व्हाट्सएप नंबर एंड माय इंस्टाग्राम आईडी, ऑल इन्फॉर्मेशन इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. You can join me on Instagram also. I update there some motivational quotes, some readings, small readings. So you can join me there too if you want to. Okay, so bye guys. All the best.